हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिजिटल्स में। हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में गुमास्ता लाइसेंस, जो कि शॉप रजिस्ट्रेशन लाइसेंस होता है, शॉप एक्ट लाइसेंस, उसके बारे में बताया था कि आप उसे ऑनलाइन कैसे बनाएंगे, तो चलिए उसी कड़ी में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन अप्लाई किए गए गुमास्ता लाइसेंस का जो स्टेटस है उसे आप ऑनलाइन कैसे चेक करेंगे कि आपका लाइसेंस का कोई प्रॉब्लम हुई है या फिर सर्टिफिकेट जनरेट हुआ है। जो भी स्टेटस है वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, कहीं आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट तो नहीं हुआ है, तो उसे देखने किस कारण से हुआ है ये भी आप उसमें देख सकते हैं, क्योंकि कारण भी दिखाएगा आपको कि किस कारण से यदि रिजेक्ट हुआ है तो क्यों हुआ है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे बोलना चाहेंगे कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो लाते हैं दोस्तों, तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है और बनना भी चाहिए, तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आप अपना गुमास्ता लाइसेंस का स्टेटस ऑनलाइन चेक करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले गूगल पर आपको टाइप करना होगा MPLD। ये देखिए MPLD ऐसा लिखना है आपको, सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे नीचे की तरफ में देखेंगे यहाँ पर MPLD माई स्टेटस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। श्रम सेवा पोर्टल लिखा आएगा यहाँ पर, ये देखिए इस पर आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखिए इस तरह का आपको एक पेज ओपन होगा। ये देखिए श्रम सेवा पोर्टल है ये, इस पर आपको यहाँ पर क्या करना है, नीचे की तरफ देखेंगे आप रजिस्ट्रेशन नंबर, ये देखिए श्रम सेवा पोर्टल का पेज है। ये देखिए यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हो रहा है, यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने अप्लाई किया था गुमास्ता लाइसेंस के लिए, फॉर्म नंबर आपका जो ए होता है उसमें जो आपका डॉकेट नंबर है वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसे आपको यहाँ पर लिख देना है। जो आपका डॉकेट नंबर है वही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर अपना डॉकेट नंबर लिख देना है। या तो आपके मोबाइल में SMS भी आया होगा डॉकेट नंबर, और ना आया हो तो आप अपना फॉर्म नंबर ए उठा लीजिए जिससे आपने स्कैन करके अपलोड किया था, उसमें ऊपर में देखिएगा सबसे ऊपर में लिखा रहता है डॉकेट नंबर, वही डॉकेट नंबर आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर पर डाल देना है। जैसे देखिए ये हमने डाल दिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये कैप्चा कोड दिखा रहा है, सेम ऐसे ही यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है स्टेटस पर। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए नीचे की तरफ में आपको ये दिखाई देगा, इस पर देखिए यहाँ पर आपको सारा डिटेल दिया है कि आपका स्टेबलाइजमेंट का जो नेम है वो दिखाएगा, उसके बाद आपका जो ओवनर है वो ओवनर का नेम, यहाँ पे आपका सारा डिटेल अवेलेबल है, ये देख सकते हैं आप, शॉप का एड्रेस आपका जो आपने अप्लाई किया है वहाँ का लोकेशन, इसके बाद आपको दिखा रहा है किस लिए आपने अप्लाई किया, तो स्टेबलाइजमेंट रजिस्ट्रेशन है ये देख सकते हैं आप। इसके बाद यहाँ देखिए करेंट जो स्टेटस है उसका, कि डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट जनरेट कर दिया गया है वो लिखा आ रहा है, तो इस तरह से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पर यदि आपके एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम है या फिर आपका एप्लीकेशन अभी प्रोसेस में है या फिर आपके एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट जनरेट हो गया लेकिन उसमें डिजिटल साइन होना बाकी है, तो ये सारा आपको ऑप्शंस में यहाँ पे स्टेटस में शो करता है। तो इस तरह से आप अपना एप्लीकेशन जो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है उसका स्टेटस ऑनलाइन चेक कर पाएंगे। उम्मीद है हमारी बताई हुई जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। आपको ये जानकारी जरूर पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।